अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? यार उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो वेलकम करते हैं आप लोगों को अपने ब्लॉग में और अपने ब्लॉग को करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों हम लोग अपनी छत पर आ चुके हैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाने, अपने व्यूअर्स के लिए वीडियो बनाने के लिए। वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे बर्ड्स हमारा वेट कर रहे हैं। सबसे पहले हमारा हाथ इधर है पानी डालना, ये हमारे जंगली बर्ड्स आते हैं इधर दाना पानी खाने के लिए। ये हम इनको अच्छे तरीके से मैंने इनका बर्तन साफ कर लिया, पानी देख रहे थे साफ़ सुथरा। अब पानी डालते हैं साथ, इधर थोड़ा सा दाना डाल देता हूँ मैं ताकि ये खाते हैं बहुत शौक से। ले जी, ये इनके लिए अभी काफ़ी हो गया, पहले भी कुछ पड़ा हुआ था। तो बाकी अपने दूसरे जो बर्ड्स हैं उनकी हमने डाइट पहले से तैयार की हुई है, आप लोगों को पता ही है कि क्या क्या हम उनको डालते हैं, क्या यूज़ करते हैं हम लोग, तो पहले से ही मौजूद है। आप लोग देख सकते हैं जी, ये रोटी और साथ दाना मिक्स किया हुआ, ये फीड है, फीड में पानी डालना भूल गए हैं। मैं पानी डाल देता हूँ फीड में, पानी भी डालना। फीड और दाना मिक्स करके डालता हूँ, ये बहुत शौक से फीड खाते हैं और दाना नहीं खाते। मैं फीड को देखते हैं तो मैं दाने में ही फीड को मिक्स कर देता हूँ, दोनों चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करके डाल देता हूँ, छुट्टी खा लेते हैं। पानी इसलिए डालता हूँ, ये बत्तखों के लिए डालता हूँ, बेबी डक्स हैं वो बहुत शौक से मतलब गीली चीज़ को खाते हैं, तो इसलिए मैं पानी वगैरह डाल देता हूँ इसके अंदर। उसके बाद ये लव बर्ड्स का भी पानी डालना है बर्तन में, वो भी मैं पानी लेकर आ रहा हूँ। दोस्तों लव बर्ड्स का पानी आ गया, दाना पहले से मौजूद है, तो पानी डाल देते हैं। दोस्तों का पानी डाल दिया, फसल जरूरी ले जी, देख रहे छली, ये देख रहे जी खा कर एंड कर चुके हैं अच्छे तरीके से। तो ये मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए रखी है कि इन्होंने इस तरीके से खाई है, एक दाना भी मौजूद नहीं है। इन्होंने बहुत शौक से खाई है और बहुत अच्छे तरीके से खाई है, इनको बहुत मज़ा आया ये खाने में, तो इन्जॉय किया इन्होंने। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि यार इनको बहुत अच्छा लगाया और खाया इन्होंने, डाइट अपनी छंद की है। तो दूसरी जो इसका आधा पीस बचा था वो मैंने यहाँ पर छुपा के रख दिया था हमारे पौधे के नीचे ताकि ये सेव रहे और ये थोड़ा सा बचा रहे। ये अपने तोतों को हम डाल देते हैं दोस्तों, अपने तोतों को हम डाल देते हैं खा पी कर अपना एंजॉय कर रहे हैं पहले से ही। और उसके बाद ये देखे जी ये हमें बुला रहे हैं, ये डक्स को देखे जी हमें किस तरह से बुला रहे हैं, ये देखे ये बुला रहे हैं अपनी गर्दन कैसे से करके, खोलो हमें निकालते हैं बाहर। बाहर उसके बाद आ गया जी हमारे पिलर का, आ गया अरे आ चुके हैं पिलर्स, हमारा वेट कर रहे थे। ले जी देखिए किस तरह से अपना खा रहे हैं, अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। ले जी ले जी देखिए सारे आ चुके हैं, सारे आ गए हैं। और अंडों की सूरत हाल देख लें जी आप लोग, अंडों में से कोई बच्चा निकला या नहीं। ले जी अभी तक तो फिलहाल अंडे ही नज़र आ रहे हैं, अभी तक तो अंडे ही हैं यार, हेल्दी हैं माशाल्लाह से। थोड़ा सा और 5-6 दिन हफ्ता लग जाएगा और बच्चे ज़रूर आ जाएंगे दोस्तों। तो उसके बाद आप लोगों को बताता चलूँ कि यार आज हमने एक चीज़ सोची थी कि हमारी जो आप लोगों को कल भी मैंने बताया था कि लव बर्ड्स हमारे हो चुके हैं जवान, अब ये आ चुके हैं जी ब्रीडिंग के मतलब तरीके का दौर में, अब सीज़न आ गया ना ब्रीडिंग का, तब ये ब्रीडिंग के चक्कर में है। तो इनके लिए हम एक नेस्टिंग देख रहे थे, बहुत अच्छी ना मतलब मुझे नज़र आई थी, वो देख रहे हैं आया हूँ। तो आप लोग को भी बताना चाहूँगा कि यार इस तरीके की नेस्टिंग यूज़ करवाएं अपने बर्ड्स को। ये भी देखिए ये सूखा हुआ घास, कमाल नेस्टिंग है यार बर्ड्स के लिए,
एक बहुत अच्छी और बहुत मतलब के बेनिफिट वाली है। समझ लीजिए कि ये हम ऐसी जगह से लाए हैं जहाँ से आप नहीं डाल सकते थे, तो हम लेकर आ चुके हैं बस से। इसके बाद ये लेकर आए हैं हम खुदा, इसका हम ये करेंगे जी कि ये इसके जो शाखे हैं वो हम बर्ड्स के अपने जो लव बर्ड्स हैं उनके केज के अंदर लगा देंगे ज़्यादा सारी, ताकि ये छुप के बच्चे देते हैं, फ्लाइंग करते हैं तो इनको बहुत अच्छा लगता है। इस तरह से ये ज़्यादा बच्चे शोर से देते हैं, जल्दी दे देते हैं। नहीं तो ये छुप छुपा कर बच्चे देते हैं, मतलब जो इनको तंग करता है, तंग होने वाली जगह हो उस जगह पर ये बच्चे नहीं देते हो, तो ये इनकी एक आदत है। बाकी देखिए जी अपना खा पी रहे अच्छे तरीके से, इन्जॉय कर रहे अपनी डाइट को। आप लोग को दिखाने का मकसद यही था कि यार आप लोग भी लाजमी इसी तरह की नेस्टिंग ढूंढना अपने लव बर्ड्स के लिए, माशाल्लाह से बहुत प्यारी है। और पानी भी यार देखिए ग्रीन हो चुका है, इस ऊपर डालने से भी हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तो मेरा नहीं दिल कर रहा कि इसके अंदर डक्स को छोड़ा। ये इसको साफ़ करेंगे, अब एक दो दिन में इसको साफ़ करते हैं सारे को। चलिए हमारे डक्स के पाँव को पता नहीं क्या हो गया, मैं दिखाता हूँ आपको इसको क्या मसला बन गया। पहले भी इशू था लेकिन अब पता नहीं कुछ ज़्यादा ही हो गया। ये देखें ये पता नहीं क्या हो गया, ये कितना ज़्यादा स्वेल हो गया। ये देखिए ये ठीक है, ये स्वेल हो गया, इसको पता नहीं क्या बन गया। हाँ भाई क्या हुआ तुझे, हैं क्या हुआ था, क्या मसला है, क्या किया पाऊँ, हैं क्या हुआ, आते कहा था, क्या छोड़ दो मुझे, नहीं जी छोड़ देती हूँ मैं आपको जा रहा था। वो हमारी फीमेल गई अंडों के पास, सीधा आती है वो हमारा पिका जो जाता है जी उसके अंदर के। तो आप लोगों को बताना था कि हमारे मिट्टी में आना है, मिट्टू आने में हम लेट हो गए हैं, माजरे का आप लोगों से, हम एक दिन का टाइम दे दें बस, कल इंशाल्लाह से पक्का आ जाएगा दोस्तों। आप लोगों को दिखा दूँगा, आप लोगों से प्रॉमिस है मेरा कि मिट्टू हम ले आएंगे, कल पता है आप लोगों से कि कल मिट्टू लेंगे। तो इनके काम से तोतों का दाना खा रहे हैं, पागल हो गए। वो हमारी फीमेल बॉक्सर बन चुकी है, कभी उड़ के उधर जाती है उनको मारती है, कभी उड़ के इधर आती है सारों को मारती है। वो देखिए जी हमारा जो हमने बच्चा पकड़ा था हमारा, वो नहा रहा है अच्छे तरीके से, देखिए जी कितना प्यारा लग रहा है, नहा रहा है। वो गई फीमेल अपने अंडों के पास वापस से गई चली, और अभी उड़ कर आएगी कुछ देखेगी फिर मारेगी, पता नहीं क्या करती रहती है। ये जी नहा रहे हैं, ये अब दूसरा गया, ये नहाएगा। आज बाथिंग डे है दोस्तों, नहाने के मूड में है दोस्तों, आज ये नहाएंगे अच्छे तरीके से, अपना एंजॉय करेंगे। उसके बाद अपने अपने केजेस में जाएंगे, ब्रश कर रहे हैं उसको, जानवर भी ब्रश करते हैं यार। बाकी यार मिट्टू के दोस्तों बहुत दुख है, आप लोगों को मैंने कहा था नहीं आ सका, लेकिन एक दिन का टाइम दे रहे हैं, वो वादा मेरा आप लोगों से यार करूँगा रात में, तो आप लोगों से प्रॉमिस है मेरा कि मैं ले आऊँगा सिर्फ एक दिन के बाद आज रात। जी तो यार दोस्तों देख लें कि अपना ये बर्ड खा पी कर अपने अपने केजेस में जा चुके हैं, वो हमारे डक्स वगैरह जो सारे चले गए हैं, पिजन्स अभी फिर रहे हैं, तो ये भी अभी चले जाएंगे थोड़ी सी देर बाद। तो दोस्तों यहीं तक थी आज की वीडियो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक लाजमी कर दें, हमारे चैनल को बट को सब्सक्राइब करें, तो एक दिन का टाइम मिले आप लोग का मिट्टू आ जाएगा दोस्तों। तो यहीं तक आज का ब्लॉग ब्लॉग को करते हैं, तो मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो के साथ, तो हमें दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़ दोस्तों, अपना ख्याल रखें हमें।